समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारा नाटक का शीर्षक है नशा मुक्त भारत। ये शराब, ये गुटखा, ये पान मसाला, 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 मानो तूने खुद ही अपना गला घोट डाला, मानो तूने खुद ही अपना गला घोट डाला, घोट डाला, घोट डाला। लाइट, कैमरा, एक्शन। मैं शराब हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मैं शराब हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मैं शराब हूँ, मैं बहुत खराब हूँ। जो एक बार मेरे चंगुल में फंस गया उसका बजना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैं शराब हूँ, मैं बहुत खराब हूँ। मैंने कितने ही परिवारों को बिगाड़ दिया, कितनी महिलाओं को विधवा कर दिया, कितने ही बच्चों को अनाथ कर दिया। मैं शराब हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मैं शराब हूँ, मैं बहुत खराब हूँ। मैं तंबाकू हूँ, मैं हर घर का डाकू हूँ, मैं तंबाकू हूँ, मैं हर घर का डाकू हूँ, मैं गली मोहल्ला चौराहे घर सब जगह मिल जाता हूँ। मेरे सेवन से सारे फेफड़े नष्ट हो जाते हैं और मैं कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी देता हूँ। मैं तंबाकू हूँ, मैं हर घर का डाकू हूँ। मैं छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा पाउच हूँ, मैं छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा गुटखा हूँ। हे इंसानों, तुम मुझ पे जितना प्रतिबंध लगा लो, हे इंसानों, तुम मुझ पे जितना प्रतिबंध लगा लो, मुझको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। मैं पाउच हूँ, मैं गुटखा हूँ, मैं पाउच हूँ, मैं गुटखा हूँ। अरे ओ संजू भाई, कैसे हो तुम? मस्त हूँ भोला भाई, मस्त हूँ, मजे में हूँ। क्या कर रहे हो? ये गुटखा खा रहा हूँ। गुटखा क्यों खाते हो भाई? ये गुटखा, इसके खाने से ना बहुत ही मजा आ जाता है, शरीर में झंझनाहट होती है और मजा आ जाता है। तो लो, तुम खाओगे? ना भाई, मुझसे दूर रखो इस चीज को। अरे तुम भोले भी हो और नामी भी हो। कैसा आपको उचित लगे भाई? ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मुझे खाना दे, मुझे भूख लगी है। अरे गुटखा खा तो रहा है, खाना खा के क्या करेगा? क्यों पड़ी रहती है मेरे बेटे के पीछे? बैठ जा, अपना काम कर। माँ, ओ माँ, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, माँ मुझे बचा ले। माँ, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, माँ मुझे बचा ले। माँ मुझे खाना दे, माँ मुझे खाना दे, बचा ले मुझे। अरे क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बेटे को? अरे क्या हो गया? अरे कोई डॉक्टर को बुला दो बेटे को, क्या हो गया? अरे डॉक्टर साहब। हाँ मैं डॉक्टर, आपका फोन आया था, मुझे बताइए क्या परेशानी है। देखना मेरे बेटे को क्या हुआ। आपका बेटा नशा करता था क्या?
मैं साकर का दर्द नहीं सकता, सारे नसों का। तभी तो इसके फेफड़े भी खराब हो गए हैं और ये कैंसर की लास्ट स्टेज पे है। इसकी जिम्मेदारी अकेले नहीं है, आप दोनों भी इसके जिम्मेदार हैं। अगर आपने समय से अपने बच्चे की गतिविधियों को ध्यान दिया होता तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। मैं आप समाज से, हमारे समुदाय से, समाज से, सभी से ये कहना चाहूँगी कि हमें भी अपने बच्चों की निगरानी करनी चाहिए, हर समय उनका ध्यान रखना चाहिए, नशे से हमको दूर रहना है। जैसा कि आपने इस नाटक के माध्यम से देखा कि पूरा परिवार उनका खराब हो गया है, मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या मानव इतना आश्रित है नशे पर? क्या मानव इतना कमजोर है क्या नशे के लिए? क्या मानव इतना लाचार है? नहीं, मानव में बहुत ताकत है। अगर मानव मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है। साथी समूह का एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। साथी समूह का एक ही नारा।